दोस्तों, मैं लीना सिंगोदिया। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट व शेयर करें। आज हम बनाएंगे ब्रेड से क्रूटोन। कोई भी सूप जब हम बना रहे होते हैं, टमाटर का, पालक का सूप, उसमें जब हम ऊपर से क्रूटोन्स डाल के खाते हैं तो सूप का टेस्ट हमारे और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आइए आज हम देखते हैं कि वो क्रूटोन्स हम कैसे बनाते हैं। उसके लिए मैंने ये 6 ब्रेड की स्लाइस ली हैं, इन्हें हम पहले छोटा छोटा काट लेंगे। इस तरह से हम ब्रेड के चौकोर छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, जैसे पनीर के पीसेस होते हैं। सारे हमने काट लिए, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। घी, ये हमने 1 कटोरी घी ले लिया है, इसे हमने कढ़ाई में डाल के गरम करने के लिए रख लिया है। हम ये हमारा लगभग गरम हो गया है तेल। घी को हमें अच्छा गरम करना है, क्योंकि अगर हम कम गरम घी में डाल देते हैं तो ब्रेड सारा घी सोख लेंगी और अच्छे से फ्राई नहीं होंगी। इसलिए हमें घी को अच्छा गरम करना है फुल, उसके बाद हम इसमें क्रूटोन्स डाल के फ्राई करेंगे। घी से अच्छा धुआं उठने लग गया है, मतलब हमारा घी अच्छा गर्म हो गया है। ब्रेड के टुकड़े हम इसमें डाल देंगे और इन्हें हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप चाहें तो इन्हें, अगर हमें कम घी में इन्हें फ्राई करना हो तो हम इन्हें तवे पे डाल करके, एक एक दो दो चम्मच घी डाल के और तवे पे हम इन्हें कम घी में भी फ्राई कर सकते हैं। कम घी में फ्राई करने का तरीका भी मैंने अपनी एक वीडियो में, पालक का सूप जब मैंने बनाया तब मैंने उसमें डाला है। मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। चलाते हुए हम इन्हें चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और वो मैंने एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे क्रूटॉन्स फ्राई कर लेंगे। ये हमारे ब्रेड के क्रूटोन्स बनकर के तैयार हो गए हैं और ये बहुत अच्छे बने हैं। आप इन्हें किसी भी सूप में डालिए, मिक्स वेजिटेबल सूप में, टमाटर पालक के सूप में डाल करके इन्हें ऊपर से खाइए। ये बच्चे में बड़ों, इससे सूप का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमारे बच्चे जो सूप पीना पसंद नहीं करते, वो भी इसकी वजह से सूप बहुत खुश होके पीते हैं, उन्हें भी सूप अच्छा लगता है। आप इन्हें बनाइए और आराम से 10-15 दिन तक हम इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। एक बार हम क्रूटॉन्स बना के रख लें और रोज़ हम तरह तरह का सूप हमारे बच्चों को हेल्दी बना करके खिलाएं, तो उसमें आप ये क्रूटॉन्स डालिए। ये बहुत अच्छे बने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।